So let's start today's session. So now today we have basic formulas, that is sum, average, maximum, minimum, round and round up, round down. These are the list of the formulas. Let us start with the first very basic formula called as sum. Okay, as we know that like the sum is very easy options, how to do it correct. So let me do it. First option called as sum, equal to sum. When I do the sum, what do you mean by number 1? आप देख सकते हैं वहां पे लिखा आया नंबर 1 कॉमा नंबर 2. कैन यू नोटिस समथिंग, नंबर 1 एंड नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? लाइक सीरीज हमें टोटल करना है. सी द नंबर 1 इज इन अ डार्क एंड नंबर 2 इज इन अ लाइटर फॉर्मेट. सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? सी द नंबर 1 सेज दैट दिस इज अ मैंडेटरी नंबर एंड नंबर 2 सेज आई एम ए ऑप्शनल. लेट मी प्रूव इट. व्हेन आई क्लिक टू दिस, फॉर एग्जांपल आई नीड अ टोटल ऑफ अमाउंट, आई जस्ट क्लिक टू दिस ऑप्शन and then I press close it and enter button. Okay, close it and press enter button. So I have taken one cell, that is I got my output. Suppose for example when I go to this sum and sum karne ke baad hum number 1, ye arguments hai but number 1 ko hum kuch lete hi nahi hai. Agar number 1 ko unko humne liya hi nahi aur main enter press karta hu, dekho answer aa raha hai nahi. So number 1 says this is I am very compulsory arguments. बिना इसके हम आगे नहीं जा सकते. ओके, नाउ नंबर 1 हैज अनदर डेफिनेशन कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ ए नंबर्स. नंबर 1 कैन बी 1. फॉर एग्जांपल हम एक अल्टरनेट का टोटल कर दें, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस. दिस कैन बी अल्टरनेट टोटल्स, देखा आपने. या अदरवाइज मैं फिर से सम करता हूं सम और ये पूरी लिस्ट एक साथ में ले रहा हूं. आई रिपीट, पूरी लिस्ट एक साथ में ले रहा हूं. सो दिस इज ऑल्सो नंबर नंबर करेक्ट. ये साइज दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं. लेट मी डू इट वंस अगेन, इक्वल टू सम. नाउ समबडी सेज टॉप 3 बॉटम 3 एंड मिडल एक नंबर. आई रिपीट, क्या बोला था? टॉप 3. सो ये रहा मेरा टॉप 3 कॉमा, ये हो गया नंबर 1 कॉमा बॉटम के 3. सो ये हो गया मेरा नंबर 2 कॉमा मिडल का 1. गाइस समझ में आ चुका है आप लोगों को? Correct. So the definition of number 1 is what? Number 1 is compulsory, that can be one number, that can be group of number, or that can be entire list. It depends on your requirements. I hope you have cleared with this. Yes, first yes, option sir. Called as sum. Sum. Okay. Let us go back to the second option. We have a second option called as minimum. I repeat, second option ka naam kya hai? Minimum. Sir, minimum kya chahiye? I want minimum quantity. सो हम फॉर्मूला लिखते हैं गाइज, इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू एम आई एन. आई रिपीट, इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? एम आई एन. ओके, लेट मी चेक वाई दिस इज कन्वर्टेड इन टू सम अदर फॉर्मेट और वॉट एल्स आई विल डू इट. फॉर्मेट पेंटर, लेट मी कन्वर्ट दिस एरिया इन टू नॉर्मल. क्लियर नाउ? ओके, सो इक्वल टू एम आई एन एंड देन आई सिलेक्ट द क्वांटिटी बिकॉज आई रिक्वायर द मिनिमम क्वांटिटी. एंटर. How much minimum quantity is? 2. I hope clear everyone. Yes, sir. So the formula which I use, क्या formula use किया था? किसी ने बोला सर हम formula लिखना चाहते. अरे कोई बात नहीं, आप लिखना चाहते equal to, we have a formula text. देख लो मैंने क्या formula use किया, yes or no? चलो minimum के बाद we'll go to maximum. I repeat, क्या करेंगे बोलो? Same. Max. Quantity का मुझे maximum चाहिए. So selection of, close it and then enter button. फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं इसी को मैं डाउन में पेस्ट कर देता हूं. आई गेस मिनिमम एंड मैक्सिमम मैक्सिमम क्लियर हुआ? सो मिनिमम ऑलवेज गिव्स यू द फर्स्ट मिनिमम पोजीशन एंड मैक्सिमम गिव्स यू द फर्स्ट मैक्सिमम पोजीशन. लेकिन आपने बोला सर ऐसा नहीं, मुझे क्वांटिटी का सेकेंड मैक्सिमम चाहिए. क्या चाहिए था? क्वांटिटी का सेकेंड मैक्सिमम. सो वी यूज द फंक्शन कॉल्ड एज लार्ज, क्योंकि क्वांटिटी का क्या चाहिए बोलो? सेकेंड मैक्सिमम. ओके, तो इक्वल टू व्हाट डिड आई सेड? लार्ज. नाउ एरे, एरे इज ग्रुप ऑफ योर नंबर्स या आपकी लिस्ट जहां से आपको लार्ज वैल्यू निकालनी है. व्हाट डू यू मीन बाय एरे? आई रिपीट, एरे इज नथिंग बट दिस ग्रुप ऑफ माय नंबर. एरे कॉमा विच पोजिशन यू वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड. जरा मैनुअली चेक करो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है हमारा गाइस? 8. करेक्ट. 8 के बाद क्या आ रहा है? 6. ओके, चलो चेक कर लेते हैं क्या आया. सो दिस इज अ सेकेंड लार्जेस्ट. फॉर एग्जाम्पल यू सेड सर आई वॉन्ट
सो क्या करेंगे बोलो, इक्वल टू लार्ज, सेलेक्ट दिस डेटा, करेक्ट, आफ्टर दैट थ्री, व्हेन आई पुट थ्री एंड व्हेन आई प्रेस एंटर बटन, सो आई एम गेटिंग अ थर्ड लार्जेस्ट। सर थर्ड भी वही आया, चलो चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, क्वांटिटी थोड़ी सी क्या कर देता हूँ चेंज कर देता हूँ। लेट मी सी दिस, कुछ देखो चेंजेस हुआ क्या आपके लिस्ट में, गाइस चेक करो आपकी लिस्ट में, देखो चेंजेस हुआ, सो दैट मीन्स नाउ इट इज कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो। ओके माई फॉर्मूला इज करेक्ट। अब हम जाते हैं सेकेंड मिनिमम पोजिशन, क्या चाहिए था बोलो, सेकेंड पोजिशन क्या चाहिए था बोलो, सेकेंड मिनिमम। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू स्मॉल एरे, एरे मीन्स वॉट, द एंटायर लिस्ट, ग्रुप ऑफ नंबर्स, करेक्ट, कॉमा सेकेंड। सर आई कैन राइट हियर वन, आई कैन राइट हियर टू ऑल्सो, आई कैन राइट हियर थ्री, वॉट एवर पोजिशन यू रिक्वायर दैट यू हैव टू राइट। सो के इज नथिंग बट द पोजिशन, k is nothing but position, and what do you mean by array, array is nothing but group of numbers. Okay, so let me get the second position, then I press enter button, so I got the second position. I hope clear with this. Yes, sir. What formula do we use for this? Formula called as small, so equal to small and this is your list comma 2 for getting a second, correct? Yes. Equal to, I am writing formula, so this is a function to get your formula so that you can copy down what formula we used, correct now yes. So the formulas are also visible, correct? So we did what, minimum, maximum, large and small. I hope clear with this. Yes sir. Let me go with the next option called as average, correct? What do you want? I want the average of total quantity, I want average of my total quantity. So equal to average. Noun number, see I explained number means what, can be one number, can be group of number, or can be entire list. Yes. It depends on your need. So now my need is entire quantity list. So I got my quantity as average 3 point something something. I guess clear? Yes, yes sir. See the other thing, this in normal practice what we do it, we just do the sum. Let me repeat, we do what, sum of total quantity. So this is my quantity, and divide by number of items, divide by number of, okay, let me do the counting of it. So I did a count, what I did, count. So I have total number counting 11. And now when I divide this divided by this, then I am getting answer as 3.82. but this process is little bit lengthy na, yes. Thoda sa lamba lag raha hoga aapko, chalo combine kar deta hu, ye dono ko ek hi saath mein kar deta hu. कैसे करेंगे सर आप एक ही साथ में, अभी देखो करता हूं मैं, इक्वल टू सम, आई डिड द सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट टू डिवाइड, काउंट, किससे डिवाइड करनी है, इससे डिवाइड कर देते हैं, हो गया ना दोनों फॉर्मूला कंबाइन। सो दिस इज अनदर वे टू गेट योर रिजल्ट्स, करेक्ट नाउ। अब अगर आप लिखना चाहते हो तो रिजल्ट्स, करेक्ट नाउ, अब अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, करेक्ट, इक्वल टू क्या बोलो, फॉर्मूला टेक्स्ट, देन यू कैन राइट द फॉर्मूला वॉट एवर यू वॉन्ट, क्लियर नाउ। सो नाउ वी आर डन विद द एवरेज ऑल्सो, करेक्ट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज, सम। नाउ आई वॉन्ट द नेक्स्ट ऑप्शन इज योर इंटीजर, करेक्ट, दिस इज नॉट अ आई एन टी, दिस इज नोन एज इंटीजर ऑप्शन। सर वॉट डू यू मीन बाय इंटीजर, इंटीजर मीन्स द वैल्यू विच इज अ होल नंबर, जिसमें डेसिमल नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए था गाइस, टोटल कितना आया, दिस इज माय टोटल, करेक्ट नाउ। सो लेट मी कन्वर्ट दिस टोटल इनटू इंटीजर वैल्यूज, तो इक्वल टू आई एन टी, दैट इज योर इंटीजर एंड दिस इज अ नंबर, सो आई कन्वर्टेड इनटू व्हाट, है कोई डेसिमल है उसमें, नहीं, चलो एक बार और ट्राई करेंगे, क्लियर नाउ एक बार और ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वैल्यू, अब वैल्यू मिला 25.36, हमें इंटीजर चाहिए, तो क्या करेंगे बोलो, आई एन टी एंड एंटर, सो दिस इज, सो व्हाट डज इट डू, इट रिमूव डेसिमल पोर्शन, करेक्ट नाउ, दैट इज नोन एज ए होल नंबर। वी हैव अ नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट वी कॉल इट एस, क्या बोलेंगे बोलो, स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल टू का, टू नहीं, लेट्स हैव अ 49 स्क्वायर रूट, या 121 किसका स्क्वायर रूट है,
करेक्ट नाउ सो वी हैव अ फॉर्मूला एस क्यू आर टी क्या यूज करेंगे SQRT. तो देखो ऑटोमेटिक आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऑफ 11 सो यू कैन गेट इट विद एनी वन डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड द रिक्वायरमेंट क्या गाइज हमने सर्च किया बोलो स्क्वायर रूट क्या सर्च किया स्क्वायर रूट क्लियर नाउ ओके अब इसी के साथ थोड़ी और आगे बढ़ते हैं नाउ स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पावर करेक्ट आपने पावर का नाम सुना होगा रेगुलरली वी यूज आई हैव अ पावर बट ये वो पावर नहीं है ये एक्सेल में रेज टू कैसे यूज कर दे फॉर एग्जांपल आई आस्क द क्वेश्चन 2 का पावर 3 व्हाट डिड आई सेड 2 का पावर 3 दैट मींस आई एम सेइंग 2 रेज टू 2 कितना हुआ 2 रेज टू 2 कितना हुआ बोलो 4 देन मल्टीप्लाइड विद 2 कितना हुआ 8 सो वैसे हम लोग यूज करते इक्वल टू पावर नाउ इट इज आस्किंग नंबर किस नंबर का पावर निकालना है तो मैंने बोला नंबर 2 का कॉमा उसका पावर कितना सो 2 का पावर 3 सी दिस गॉट इट अगर पावर फंक्शन नहीं यूज करना चाहते तो गॉट इट अगर पावर फंक्शन नहीं यूज करना चाहते तो यू कैन डू इट मैन्युअली ऑल्सो सर मैन्युअली कैसे करेंगे इक्वल टू ये नंबर ले लो एंड फ्रॉम योर कीबोर्ड प्रेस दिस साइन नोन एज पावर दिस इज अ साइन ऑफ पावर कीबोर्ड से देख रहे हैं आप साइन सेन प्रेस द शिफ्ट बटन एंड प्रेस नंबर 6 दिस इज अ सेम रिजल्ट यू विल गेट आई होप क्लियर दिस इज नोन एज व्हाट पावर बट यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया था गाइस क्या था फॉर्मूला बोलो इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला इज योर पावर एंड दिस इज विदाउट एनी फॉर्मूलाज क्लियर नाउ इट डिपेंड्स हाउ डू यू वांट इट आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं क्लियर नाउ अब मैं चलता हूं यहां पे आई हैव अ नेक्स्ट ऑप्शन कॉल्ड एज एम राउंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन एम राउंड फॉर एग्जाम्पल माई टोटल इज जस्ट टू अंडरस्टैंड मेरा टोटल जो आ गया वो आ गया 43 कितना आया 43 मैं चाहता हूं टोटल है फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 के टेबल को काउंटिंग कर दे टेबल ऑफ 5 आई रिपीट टेबल ऑफ 5 लेट मी डू इट ओवर हियर किसी को याद है टेबल ऑफ 5 का हम करते थे ना स्कूल में 5 2 5 1 5 5 2 10 सो ऐसे में अगर इसके टेबल को कैलकुलेट करता हूं सो कैन यू टेल मी विच इज द नियरेस्ट टू दिस ये किसके क्लोजर में आ रहा है 40 या 45 के क्लोजर में आ रहा है अगर मैं इसको 5 के टेबल में राउंड अप करता हूं तो यू विल गेट अ वैल्यू एज 45 चलो ट्राई करो सर एम राउंड नंबर सो दिस इज माय नंबर किसके टेबल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के टेबल में जस्ट सीधा आउटपुट क्या गया गाइस क्या गया बोलो 45 क्या गया बोलो 45 अगर सपोज ये वैल्यू मैं 10 के टेबल में राउंड करता हूं किसके टेबल में 10 के टेबल में सो लेट मी डू इट यहां पे हम लोग 10 का टेबल लिखते हैं किसका टेबल 10 का टेबल सर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड अगर ये वैल्यू को मैं 43 को 10 के टेबल में करता हूं सो इक्वल टू एम राउंड द वैल्यू इज दिस इज योर नंबर और मल्टीप्लाई किससे करना है 10 के सो जरा 10 में किया तो देखो क्या आंसर आ गया 40 समझ में कुछ आ गई सो इट गिव्स यू द नियरेस्ट वैल्यू इट गिव्स यू व्हाट नियरेस्ट वैल्यू ओके सो नाउ वी आर डन विद ऑप्शन कॉल्ड एज एम राउंड नाउ वील गो बैक टू ट्रंक सो दिस एक्चुअल नेम इज योर ट्रंकेट द एक्चुअल नेम ऑफ दिस ऑप्शन इज व्हाट ट्रंकेट चलो देखते हैं कैसे काम करता है सपोज यू हैव अ वैल्यू 125.369 आपने देखा वैल्यू क्या है अभी आपने बोला कि सर इसमें से मुझे खाली सिर्फ 2 ही डेसिमल चाहिए कितना डेसिमल तो इक्वल टू आई कैन से दैट ट्रंकेट दिस इज अ नंबर कॉमा 2 चेक कर लो सर क्या आया नाउ आपने बोला सर 1 डेसिमल चाहिए कितना ट्रंकेट ये नंबर लेना कॉमा 1 लिखना चेक करके बताओ क्या आया आपने बोला सर जैसा है वैसा ही चाहिए 3 का 3 सो आई जस्ट डिड कॉमा 3 बट व्हेन यू वांटेड ऑल 3 देन व्हाई यू आर डूइंग इट वो तो वैसे भी तीनों आने वाला ही सो ट्रंकेट नेवर इंक्रीज और डिक्रीज ट्रंकेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता ट्रंकेट के जगह पे आप क्या यूज करते हैं राउंड ऑप्शन क्या यूज करते हैं राउंड फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नंबर है 125.369 और मैं इसे राउंड कर देता हूं सिंपली राउंड आई नेवर डू राउंड अप और डाउन सिंपली क्या कर दिया राउंड ऑप्शन आप देखो ये नंबर में क्या हुआ लेट मी डू इट ओके सो लेट मी डू इट वंस अगेन राउंड दिस इज नंबर कॉमा आई सेड 0 व्हेन आई से 0 तो देखो क्या आ गया 125 सो दैट मींस वी लॉस्ट
डेसिमल वैल्यू। आप बोले नहीं सर डेसिमल वैल्यू मुझे इंक्रीज करके चाहिए, तो क्या कर दे राउंड अप, मैंने ये नंबर ली डेसिमल वन डिजिट, डेसिमल वन डिजिट, तो 369 को उसने राउंड कर दिया एज ए 400। आई गेस क्लियर। अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे इसको डिक्रीज करके चाहिए डाउनवर्ड, क्या करना है डाउनवर्ड कॉमा आई सेड वन। अब आप देखो जो 369 है तो 69 को निकल एज ए 3, सो दैट इज नोन एज ए डाउनवर्ड। आई होप समझ में आया फॉर्मूला क्या था। सो वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, करेक्ट नाउ वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू रिफर द फॉर्मूला। राउंड अप भी यूज कर सकते हैं, राउंड डाउन भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड द रिक्वायरमेंट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। सो गाइज वॉट आर थिंग्स वी लर्न टूडे, पावर, स्मॉल, ट्रंकेट, एम राउंड, स्क्वायर रूट, इंटीजर वैल्यू, राउंड डाउन, राउंड अप, राउंड सम, रैंक, लार्ज, स्मॉल, एवरेज, करेक्ट नाउ, मिनिमम एंड मैक्सिमम, करेक्ट। सो दीज ऑल फंक्शंस वी ट्राइड ऑन द सेम, वी कंसोलिडेटेड ऑल दीज ऑप्शंस एंड मेक इट एज ए कंबाइन ऑप्शंस, करेक्ट। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू डू व्हाट, प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको और लगा, अपने फ्रेंड्स को भी अवेयरनेस करना, अगर आपको लगा कि नाउ वी लर्न समथिंग, सो यू हैव टू लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो, करेक्ट। सो लेट अस क्लोज योर टुडे सेशंस, नाउ यू कैन डू योर प्रैक्टिस।